बड़ी खबर बता देती है। ताजनगर आगरा में कब थमेगा मौतों का सिलसिला, इलाज के अभाव में एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई है। रात भर एम्बुलेंस के लिए परिवार मांगता रहा मदद, लेकिन एम्बुलेंस ना मिलने से बच्ची ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया है। तो लगातार जिले भर से ऐसी खबरें आती है जहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती है, और इसी को लेकर ताजनगरी आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत हो गई, समय पर एम्बुलेंस नहीं दी गई। भले परिवार ने बार बार गुजारिश की कि मदद मांगने की कोशिश की गई कि आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची और रास्ते में ही मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो एक तरफ कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं पर जो श्रमिक हैं वो भूखे रहती हैं, उनकी उस वजह से मौत हो जाती है, लेकिन जो मरीज अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी भी मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, एम्बुलेंस टाइम ना मिलने पर बच्ची की मौत हो गई। संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ आगरा से। अजीत, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की डॉक्टरों के सामने आई है, यहाँ पर टाइम पर एम्बुलेंस नहीं भेजी गई जिस कारण एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आगरा के हालात हैं, कोरोना संक्रमण का तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ये जो जगह है आगरा हो चुकी है, लेकिन वही लापरवाही की अगर बात की जाए तो ऐसे कई मामले आगरा में देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो गई। ताजा मामला ये आगरा में देखने के लिए मिला है की 108 नंबर की एम्बुलेंस से परिवार सहायता मांगता रहा और एम्बुलेंस की सहायता न मिलने से बच्ची ने सड़क पर दम तोड़ दिया। तो इस सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगरा के बिगड़े हालातों पर चिंता जता रहे हैं, 5 सदस्य अपनी टीम के लोग भी यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही दर्शा रही है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर। स्पेशल टीम वहां पर भेजी गई है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं आगरा में, जबकि जो परिवार है इसने मदद की गुहार भी लगाई थी, एम्बुलेंस मांगने की कोशिश भी की गई, उनसे मदद मांगी गई, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो टाइम पर नहीं पहुंची और बच्ची की मौत, बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या कुछ कर रहा है पुलिस प्रशासन, कोई कार्रवाई हो पाई इनके ऊपर? देखिए, अभी अगर इस मामले में कार्रवाई की बात की जाए तो अभी फिलहाल ऐसा कोई मामला कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से टीम 11 के 5 सदस्य आज आगरा में, जो कल आगरा में आए थे, लगातार यहाँ मीटिंगों का दौर जारी है और आज सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि और जिले के आलाधिकारी और 5 सदस्य जो टीम के हैं इन लोगों ने मीटिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नया मामला मिला जहां इलाज के अभाव पर एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के चलते एक बच्ची ने सड़क पर दम तोड़ दिया। तो एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही यहाँ देखने की मिली है और देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे लापरवाह लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। अजेंद्र, आगरा में जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, लेकिन जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं क्या उनके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है? लगातार ऐसी खबरें लगातार सामने आती है हमारे पास कि कोई जो अन्य बीमारी से ग्रसित है उनकी इलाज नहीं हो पाता है, रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। देखिए, लगातार जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हैं उनसे बात करी गई है, आईएमए के सदस्यों से बात की गई है, और जैसा कि आज भी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में आईएमए के सचिव और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की गई है और यही सलाह दी गई है कि जो अन्य मरीजों का कोविड नॉन कोविड जो मरीज है उनका इलाज किया जाए, इलाज का अभाव में किसी की मौत ना हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, लगातार ऐसी बातें आ रही हैं सामने, लेकिन लोगों की मौत है और लोगों को परेशानी लगातार यहाँ तो बड़ी लापरवाही है सामने आई है। एक तरफ के न्यूज पूरी कोशिश कर रहा है कि सीएमओ से बात करने की, लेकिन सीएमओ है जो फोन उठाने को तैयार नहीं हो रही है, फोन नहीं उठा रही है। क्या आपकी सीएमओ से बातचीत हो पाई है इस मामले में? देखिए, अभी तक जिस तरह से बात करने की कोशिश करी है तो अभी तक बात नहीं हो पाई है, और लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सीएमओ से जवाब मांगा जाए कि यहाँ बच्ची की मौत हुई है तो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन अभी बात ना होने के कारण कोई जवाब नहीं मिल पाया है। शुक्रिया अजेंद्र चौहान अधिक जानकारी देने के लिए। तो इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत हो गई है, रात भर एम्बुलेंस के लिए परिवार मदद मांगता रहा, लेकिन एम्बुलेंस ना मिलने से बच्ची ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। और खबर